नमस्कार प्यारे दर्शकों, मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पे हम आपके सपनों का रहस्य लेकर हाजिर होते रहते हैं। और सपना हमें कोई ना कोई ज़रूर दिखता है और इससे हमें भविष्य के शुभ शुभ का संकेत भी प्राप्त होता है। तो मित्रों, आप सभी ने बहुत कुछ देखा होगा सपने में। अगर आपने कौवा देखा है तो चलिए जानते हैं इसका क्या अर्थ है। दोस्तों, अगर आपने भी कौवा देखा तो स्वप्न फल के अनुसार ये सपना अच्छा नहीं मानते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपका, वो चाहे आपके घर में हो, पड़ोस में हो या रास्ते में ही हो सकता है, बिना वजह के हो जाए, आपका मन अशांत हो सकता है, इस तरह से संकेत देता है। दोस्तों, अगर कौवे को उड़ते हुए देखा है तो दोस्तों ये सपना आपके लिए ये भी शुभ नहीं माना जाता है। आपके साथ कोई धोखा कर सकता है बिजनेस में, या आपकी लाइफ पार्टनर कोई हो, इस तरह से आपका लव अफेयर हो आपका, तो भी मानसिक तनाव भी इसको लेकर के बढ़ सकता है। कौवे को अगर आपने झाड़ पर बैठे हुए देखा है तो दोस्तों ये सपना माना जाता है किसी से मतभेद होने का। कौवा काँव काँव कर रहा है तो दोस्तों आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। अगर आपने झुंड देखा कौवों का तो दोस्तों ये आपके लिए गिरावट आपके पैसों में आने का संकेत है। चोंच मारना भी अशुभ माना जाता है, ये दोस्तों आपके लिए अशुभ सपना है। सपने में कौवे को मारना, दोस्तों ये सपना आपको दुश्मनों से छुटकारा पाने का संकेत देता है। अगर आपने सिर पर कौवे को बैठे हुए देखा तो भी अशुभ माना जाता है और ये जो है आपके किसी अशुभ समाचार का भी सूचक माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने सपने में कौवा देखा है तो ये वैसे अच्छा नहीं माना जाता है। कौवा को हमारे पितरों का भी संकेत माना जाता है, लोग कौवे को भोजन कराते हैं, एक पक्षी है, और कहते हैं कि अगर इस तरह का सपना दिखे तो पशु पक्षियों को भोजन जरूर देना चाहिए। और दोस्तों, वैसे अगर कौवा सिर पर बैठता है जागृत अवस्था में तो भी मृत्यु का सूचक माना जाता है। अगर दोस्तों आपने सपने में उड़ता हुआ कौवा देखा है तो हो सकता है आप किसी समस्या का समाधान भी पा जाएं। दोस्तों, नीचे को आता हुआ कौवा उड़ते हुए अच्छा नहीं माना जाता, बुरा हो सकता है। अगर आपने सपने में देखा है कौवा को अपने साथ में बिल्कुल पास बैठा है तो आपके लिए अच्छा संकेत है, धन लाभ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए उपाय भी ज़रूर करिए। अगर बुरे रूप में देखा है तो आप पशु पक्षियों को दाना डाल दीजिए और इससे आपको उनका पुण्य मिलेगा। दोस्तों, आज का वीडियो पूरा होता है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।